नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह Sharefreak.in से। आज हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि निफ्टी में आज ऐसा क्या हुआ, निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है और इस एक्सपायरी में प्लानिंग कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली के चार्ट में हमने पहले भी बताया था आपको कि निफ्टी अपर ट्रेंड लाइन को बार बार रिटेस्ट कर रहा है एंड निफ्टी नीड स्पेस टू मूव फर्दर अप, और ये स्पेस नहीं मिलने के कारण आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए फॉल टुवर्ड्स 17900। फ्राइडे को मैंने डाला था मंडे के लिए जो वीडियो, निफ्टी में ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रहा है और यहाँ से एक फॉल 17900, 950, मे बी 850 के पास जाकर ऐसा हमें कंप्लीशन होना चाहिए। तो ये एक रीज़न था हमारा कि इसको नीचे आना चाहिए। मैं कल के दिन से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी में एक फॉल आना चाहिए, बट कंटिन्यूसली निफ्टी 18200 के ऊपर होल्ड कर बहुत सारे ट्रैप, बुल ट्रैप्स क्रिएट कर रहा था और जो कि आज हुए हैं। 100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आएगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है और मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके नीचे टूटता है तो 17900 को हम आराम से देख पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन रंग का सर्कल है, दैट इज़ अ गैप अप, तो मोस्टली इस गैप को हम फिल भी करेंगे। ये गैप फिल अराउंड 18000 के पास आता है, सो 17900 से 17950 भी कोई बहुत दूर नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये टच एंड गो जैसा सिचुएशन भी आ सकता है, राइट? सो हो सकता है एंड ऑफ द डे हम 18000 के ऊपर ही क्लोजिंग दें, बट मोस्टली ये हो सकता है कि नीचे आकर वापस एंड ऑफ द डे ऊपर की तरफ कैंडल बन जाए या कल बड़ा कैंडल बने और थर्सडे को यहाँ पे एक रिवर्सल का कैंडल क्रिएट हो। तो ये पैटर्न का जो मैंने जो बात बोला, ये मेरा एजम्पशन है, इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि बजट के पहले शायद निफ्टी में ये जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये बजट के पहले यहाँ तक क्रिएट होकर रेडी हो जाए और बजट जैसा हो उसके अनुसार से इसमें रिएक्शन हो। सो दिस इज़ माई प्रिडिक्शन। तो इसको देखते हुए मैं ट्रेड बना रहा हूँ और आज के दिन आप देखने देखा होगा कि हमने कोई भी ट्रेड स्टॉक्स में नहीं दिया, बिकॉज मैं दो दिन से थोड़ा डाउट में ट्रेड कर रहा हूँ। लाइक आई वॉज थिंकिंग दैट आज शायद नीचे की तरफ आए, बट नोबडी इज़ ग्रेटर देन द मार्केट, सो हम मार्केट के को समझ सकते हैं बट मार्केट से जीत नहीं सकते हैं। तो और समझने के लिए हमारे पास चार्ट और डेटा है और कोई चीज़ें हैं नहीं, तो डेटा को रीड करते हैं, डेटा को देखते हैं, चार्ट को समझते हैं और सेंटिमेंट रीड करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो ट्रेडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। ब्लू कलर का जो सर्कल बना हुआ है, दीज आर द कॉल राइटर्स, यहाँ पर हेवी कॉल राइटिंग है, एंड दीज आर द पुट राइटर्स, यहाँ पे पुट राइटिंग भी है, यहाँ भी पुट राइटिंग है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है? तो डेटा को हम लोग अलग से समझेंगे और फिर समझेंगे कि आगे क्या करना है। नवंबर 18th के पास जो सेम वे से निफ्टी ने बेयरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया था, वैसे ही अभी मंथ ऑफ जनवरी में बुलिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और 17900 का सपोर्ट फिलहाल लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं इंट्राडे चार्ट को और फिर कल की प्लानिंग करते हैं। ये हमारा एज यूजुअल हमने जैसा ड्रॉ करके पहले से रखा हुआ है। अभी यहाँ पे मॉर्निंग में ये गैप अप ओपन हुआ, छोटा सा गैप हुआ और उसके बाद एक शार्प फॉल आया, आफ्टर दैट इट वाज अ रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन शार्प फॉल। तो ये लोअर बॉटम एंड लोअर टॉप का एक पैटर्न डेवलप हुआ जो यहाँ से नीचे गिरने के बाद वापस ऊपर गया, और यहाँ से आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो जब तक, और ये आपका ब्रेकडाउन लेवल हो गया, तो जब तक यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट होंगे क्योंकि यहाँ से वापस से कन्फर्मेशन कैंडल ये था, तो जब तक अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम ट्रेड करेंगे ये निफ्टी नीचे की तरफ ही मूव करेगा। कल के दिन वापस निफ्टी को आपको इसी लेवल से हमें वेट करना है कि निफ्टी एक बार ऐसा रिट्रेसमेंट दे, और दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, और ये जो ट्रेंड लाइन बनी है निफ्टी में, जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल अगर वापस यहाँ से एक बाउंस बैक आता है और इसको रिटेस्ट करता है, तो ये लेवल जो बनकर आएगा वो आएगा अराउंड 18250 के नियर बाई। तो इस लेवल पे आप फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, एंड योर स्टॉपलस वुड बी
18,310। अगर आप यहां से शॉर्ट करेंगे तो निफ्टी का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना पड़ेगा। देन इट कैन कम अगेन टू 18,100 और इस लेवल पे वॉच करना है हमें कि इसको ब्रेक कर, अगर इसको ब्रेक करता है तो 17,950 का लेवल हम जरूर देख पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चार्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसा और दिस इज द मिडिल लाइन। अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ तक रिटेस्ट करेगा 18,150 तक। जिन्हें पुट अगर लेना है तो 18,150 के पास एक लॉट ले सकते हैं, अगर और ऊपर आता है तो 18,250 के पास भी एक लॉट बेच सकते हैं या 200 के पास, ठीक है, एंड खरीद सकते हैं, राइट। और उनका स्टॉप लॉस रहेगा 18,310, मतलब ये हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा आपका क्लोजिंग बेसिस पे आवर्ली कैंडल। अभी यहाँ पे ऐसे जाकर अगर वापस अगर गैप डाउन होता है इधर तो एक बार रिट्रेस्ट करने दे और उसके बाद बाद में इसको शॉर्ट करें। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो और स्मॉल ट्रेडर हो तो यू कैन कीप दिस एज ए स्टॉप लॉस 18,150। अगर 200 पे स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर आप स्टॉप पुट निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं या पुट बाई कर सकते हैं। ये आज के पिक्चर्स को देखकर, हम चार्ट को देखकर मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ, मॉर्निंग में कैसा ओपन होता है, क्या और चेंजेस होते हैं ऑन द फील्ड, वो हम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेशन देता रहता हूँ, राइट। तो दिस इज दी आवरली चार्ट एंड यहाँ पे सपोर्ट आपको मैं क्लियरली आपको मैंने बता दिया है। आई विल री राइट इट, 18,250 का ये जो लेवल है ये आएगा 18,100 एंड ये जो लेवल है ये आएगा 17,950, ठीक है। सो ये तीन लेवल है और यहाँ पे आपको आएगा 18,310 से लेकर 20 जो भी है, 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे का लेवल आपको मेंटेन करना है। नाउ वी विल लुक इनटू द डेटा, कल के दिन का क्या होने वाला है उस चीज़ को समझेंगे। ये निफ्टी का डेटा है और निफ्टी के डेटा में 18,200 लेवल पे आप देख सकते हो, कल के दिन मैंने बोला था कि 18,200 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और मंडे को भी मैंने बताया था कि 18,000 लेवल पे अनवाइंडिंग जिस साइड भी आपको ओपन इंटरेस्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव दिख रहा है उस साइड में राइटिंग या अनवाइंडिंग चालू है। तो कल हमने देखा था कि 18,200 लेवल पे अनवाइंडिंग हो रहा था, ऑलमोस्ट 11 टू 12 लाख का अनवाइंडिंग हुआ था और पुट साइड में एडिशन हुआ था। मंडे को राइटिंग हुआ था, मतलब एडिशन हुआ था कॉल साइड में एंड पुट साइड में भी एडिशन हुआ था, दोनों साइड में एडिशन हुआ था 18,200 लेवल पे। आज के दिन फिर से आप देखो 20,92,450 का कॉल राइटिंग हुआ है 18,200 पे। ये चीज़ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में सुबह में 10 बजे के पहले ही मैंने डाला था कि 18,200 लेवल पे अगेन निफ्टी में के कॉल साइड में स्टार्ट हो गया है, दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर द निफ्टी एंड द की लेवल टू वॉच फॉर टुडे इज 18,200। अभी 18,200 पे 48,33,950 का ओपन इंटरेस्ट है एंड 28 लाख इंटरेस्ट है पुट साइड में। 18,100 लेवल पे 15,24,050 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, जिसमें से 94,000 आज के दिन ऐड हुए, मतलब यहाँ पे अनवाइंड हो चुका था जिसमें आज फिर से वापस 94,000 कॉल शॉर्ट हुए यहाँ पे, और पुट साइड में 83,000 उसी उतना ही अनवाइंड हुआ है। तो स्टिल 18,100 एज पर द टूडेज डेटा बैंक निफ्टी निफ्टी का जो 18,100 लेवल है ये सपोर्ट है। सपोर्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि 25,45,000 का पुट राइटिंग दिख रहा है यहाँ पे 15 लाख का है और इसके कारण निफ्टी ने 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट। लेकिन जिस तरह से शॉर्ट क्रिएट हुए हैं कॉल साइड में, डेफिनेटली नीचे का लेवल नीचे में और वैसे ही अगर ये जो अनवाइंडिंग हुआ है पुट साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसके कारण निफ्टी प्रेशर में है और नीचे में 18,000 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो 18,000 लेवल पे देखिए आप कॉल राइटर्स एक्टिव हो चुके हैं, 8,22,150 ओपन इंटरेस्ट है 18,000 लेवल पे कॉल साइड में एंड पुट साइड में 42 लाख। सो 18,000 लेवल को तोड़ना इस एक्सपायरी में इट विल बी नॉट
वेरी इजी बिकॉज 42 लाख वर्सेस 8 लाख द डेटा सेज दैट निफ्टी 18,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये लेवल टूटता है और होल्ड कर लेता है 7950 के पास तो फिर बहुत ही शार्प फॉल निफ्टी में हमें देखने मिल सकता है एक्सपायरी तक। अगर यहाँ पे और अनवाइंडिंग चालू हो गया तो निफ्टी 17,700 तक भी जा सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल के वीडियो और मंडे के वीडियो मैंने बोला था कि नीचे के लेवल पे बहुत सारे कॉल राइटिंग नहीं है जो निफ्टी को 18,500 के ऊपर पुश कर सके, और इस कॉल राइटिंग को क्रिएट करने के लिए निफ्टी ने आज एक नीचे डिप लिया है और हो सकता है कल थोड़ा और नीचे आए और कॉल राइटर्स यहां पर एक्टिव हों, और एक्सपायरी के दिन अगर ये कॉल राइटर्स वापस से अनवाइंड होते हैं तो निफ्टी में एक फिर से बड़ा मूव आ सकता है शॉर्ट कवरिंग के कारण। कल के डेटा में आप देखेंगे तो यहां पर कॉल अनवाइंडिंग हो चुका था, बहुत सारे कॉल्स अनवाइंड हुए थे, जिन्होंने कॉल को बेचा था वो खरीद कर एग्जिट हो गए बिकॉज दे थॉट दैट दे आर ट्रैप्ड। देयर वाज नॉट इनफ डेटा टू पुश निफ्टी बियॉन्ड 18,500। तो उस चीज को देखते हुए मेरा प्रेडिक्शन ये है कि निफ्टी को अगर 18,500 के ऊपर जाना है तो नीचे के लेवल पे कॉल राइटिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा शॉर्ट कवरिंग भी आएगा, और नहीं तो निफ्टी 18,000 से लेकर 18,300 के बीच में ये एक्सपायरी कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो कल के लिए 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको टूटना इतना आसान नहीं लग रहा है मुझे। 42 लाख का पुट राइटिंग है और यहाँ पर ओनली 8 लाख है, सो मैक्स टू मैक्स 17,950 को लेकर हम लोग चलेंगे। अगर 17,950 के पास आता है तो यहाँ पर कॉल बाई करना बनता है, एक ट्राई तो जरूर ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे डेटा में भी सपोर्ट है और टेक्निकल चार्ट में भी हमें वहाँ सपोर्ट मिल रहा है। तो इस लेवल पे आप जरूर कॉल को इनिशिएट करें, इस लेवल पे जरूर कॉल बाई करें, एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देख सकते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन द चार्ट, आई हैव एक्सप्लेन द टेक्निकल लेवल्स, आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द डेटा along with the levels of 18,000 to 18,200. Follow the levels, trade according to the data. I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Meet you tomorrow with a new strategy, with the new data, with the new technical levels. Till then, take care of self. Jai Hind.